कैसे हैं बच्चों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप घर पे ही होंगे और घर पे बैठ के आप समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई में जिस भी तरह से संभव हो आप पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग देख क्या रहे थे, हम लोग 11th क्लास का स्टार्टिंग कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें हम लोग बीसी मैथमेटिक्स देख रहे थे, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को देख चुके थे। इस चैप्टर में इस वीडियो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन ही फिजिक्स की जान है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन कैसे करना है वो तो आप सीख ही जाओगे, तो मैथमेटिक्स भी सीख ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स से जोड़ घटाव जैसे सीख गए, तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, तकलीफ तो टेबल याद करने में भी हुआ होगा, पर कर लिया आप। तो मैथमेटिक्स टफ नहीं होता है, मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस करते करते सीख ही जाते हो, पर मैथमेटिक्स का कहाँ पर इस्तेमाल करना ये मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे एडिशन था, सबस्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, समझ में नहीं आता था कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब एलसीएम लेना है, कब एचसीएफ लेना है, ठीक है, आपको वो प्रैक्टिस के थ्रू आया। तो ये जो कब करना है यही फिजिक्स है। अब समझ में आएगा कि मैथ और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, मैथ कैसे, मैथ में क्या पढ़ते हैं, कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस को कैसे करना है वो आप मैथ में सीखते हैं, और कब करना है ये आप फिजिक्स में सीखते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा सब्जेक्ट कंबाइंड हो जाता है, थोड़ा बहुत उसमें ही पढ़ा दिया जाता है, पर वो अलग बात है। जैसे एडिशन, जैसे आपसे कहा गया कि चार बच्चे हैं सबको दो दो पेन देना है तो कितने पेन की जरूरत होगी, तो आप कहा उसने तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया मल्टीप्लाई करना है, चार को दो से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर ये शुरू में जब आप बच्चे थे, जब ये समझाया जा रहा था, कितना परेशानी हुआ होगा कि कब यार मल्टीप्लाई कब कर देते हैं, कब जोड़ देते हैं। तो आप प्रैक्टिस से ढेर सारे क्वेश्चन किए होंगे, आपने प्रैक्टिस से समझ में आया होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है, यहाँ पे एडिशन करना होता है, दो है दो और हमको दे दिया गया तो चार हो गया, तो इसमें एडिशन करना है हमें, ठीक है। तो ये सब आपका अनुभव के अनुसार आता है। इंटीग्रल कैलकुलस का क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक बुक है फिजिक्स में जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, आईआईटी बुक से ऊपर वाले बच्चे लोग पढ़ते हैं, आईआईटी के बच्चे पढ़ते हैं, आईआईटी का जो प्रिपरेशन करते हैं, पहले आईआईटी का जो आईआईटी एडवांस का जो जेई एडवांस होता है ना, पहले आईआईटी जेई हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें जो बच्चे बहुत पहले का एग्जाम हुआ करता था उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। उसमें आई ईरोडो एक बुक होता है, आई ई ईरोडो, ठीक है। ये फिजिक्स का बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, एससी वर्मा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना है वो भी आप लोगों को तो मुश्किल तो ये भी लगेगा, ये यहीं से टेपा हुआ है। टेपा हुआ मतलब एससी वर्मा सर को आप जानते होंगे, ये आईआईटी कानपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, जेई का पेपर जो भी सेट होता है उस कमेटी के, जेई एडवांस के पेपर का जो सेट होता है उस कमेटी का, ये जनरली हेड रहते हैं, अधिक लगातार ये हेड रहते हैं उस कमेटी के। एससी वर्मा सर का लिखा हुआ बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका भी अच्छा खासा लेवल है, पर उस लेवल के तो क्वेश्चन तो आते हैं, खासकर जेई एडवांस में, जेई मेंस वगैरह तो उतना लेवल नहीं है, नीट वगैरह का भी लेवल नहीं है, पर ये क्वेश्चन आता है। एससी वर्मा का बुक सभी लोग फॉलो भी करते हैं, हर लोग सजेस्ट भी करता है, पर ये आपका रेशनिंग और हेडे और आई ये फॉरन राइटर का बुक है, इससे लिया गया है, ठीक है। इसको काफ़ी हाई लेवल का माना जाता है, सोल्यूशन का था इसका अवेलेबल नहीं है, किसी कोई कर ही नहीं पाएगा, बहुत उस वक्त बहुत हुआ था जब मैं पढ़ता था कोटा में, ठीक है। मुझे लगा क्या हुआ है भाई, तो मैं जब पढ़ लिया था तो मैं जब ड्रॉप कर रहा था, मतलब 12th पास करने के बाद मैंने जेई के लिए स्पेशली तैयारी की थी, ठीक है, वो मैंने बुक इस बुक को करना शुरू किया, सारे क्वेश्चन इजीली बनते चले गए। फिर मुझे लगा क्यों इतना मुश्किल उसको कहा गया, क्योंकि इसमें मैंने गौर किया कि हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला जब पता है तो फिर करना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, कहाँ पर कैसे इंटीग्रेशन करना है, लिमिट क्या लगाना है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना, तो कैसे करना है, कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखना है, ये इंटीग्रेशन में टफ होता है, यानी फिजिकल क्वेश्चन इसका मुश्किल होता है। इंटीग्रेशन करना ठीक है, मुश्किल तो है, इंटीग्रेशन भी आगे चल के मुश्किल हो जाता है, पर उतना लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे नहीं फिजिक्स में, हम लोग हमारे लिए इंटीग्रेशन आसान रहेगा, फिजिक्स में मैथ में इंटीग्रेशन का लेवल जाएगा जिसमें ढेर सारा कैलकुलेशन वगैरह रहेगा, हमारा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये ईरोडो का जो बुक है इसमें हर एक में फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन है, तो जो भी फिजिक्स के मुश्किल क्वेश्चन जो बनते हैं ना उसमें इंटीग्रेशन रहता है, इंटीग्रेशन रहा या मुश्किल हो गया, या फिर जो भी डेरिवेशन रहेगा उसमें इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। उसी को लोग बहु हवा बना देते हैं, बहुत मुश्किल है, ठीक है, जहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया लोगों को मुश्किल लगने रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का अगर ढंग से समझ गया तो फिजिक्स आपके लिए बच्चा बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन में हर जगह तुमको इंटीग्रेशन ही आके फंसेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आखिर मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि भाई फिजिक्स तो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा मैं प्रैक्टिस भी नहीं कराऊंगा
क्योंकि थोड़ा लेवल तो है इसका भी, डिफ्रेशिएशन इतना ये इजी नहीं है, क्योंकि डिफ्रेशिएशन में एक चेन रूल होता है। मैंने बताया था चेन रूल पूरा डिफ्रेशिएशन को बहुत ईजी बना देता है। मैंने एक बार बताया था कि चेन रूल ऐसा है, रूल है कि कितना भी मुश्किल आपका डिफ्रेशिएशन क्वेश्चन है एक लाइन में उसको सोल्व कर दूंगा मैं, एक लाइन में, ठीक है, चाहे कितना भी मुश्किल। मैंने करके दिखाया भी, बहुत ही मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आपने देखा, तुरंत के तुरंत बन गया वो, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इस पर अगर कमांड आ गया तो समझ लो आपका फिजिक्स बहुत ईजी हो गया, ठीक है। चाहे डेरिवेशन हो, चाहे कोई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन ही रहेगा। इंटीग्रेशन अगर आपने करना समझ गए, ठीक है, तो आपका वो फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है मैंने समझा दिया। मैथमेटिक्स में हम कोई क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैथमेटिक्स ये सीखते हैं, और फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स कब करना है, कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला कब लगाना है ये सीखते हैं। फिजिकल लॉ हमको बस यही बताता है कि यहाँ पे जोड़ करना है, यहाँ घटाव करना है, उसके बाद मैथमेटिक्स आ जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। दिस इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो हम लोगों को पूरा ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा डिफिनेशन में लिखाने जाऊंगा इसका, ठीक है। फिजिक्स है, सिंपली समझना है हमें। तो समझने में क्या समझना है हमें कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफिनेशन का उल्टा रूप है, ठीक है। डिफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन का उल्टा रूप। एक्चुअली आविष्कार जो हुआ था ना, जब उल्टा हुआ था, इंटीग्रेशन पहले बना था, डिफिनेशन उसके बाद बना था, सब न्यूटन ने किया था, मतलब न्यूटन का नाम है कि करने में, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल रहेगा, ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन करना है वो रहेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो रहेगा उसके बाद में dx, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। d तो समझ जाओ डिफरेंशिएशन में, d वाला सिंबल है, dx मतलब क्या होता है, अ स्मॉल चेंज इन x, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन हम लोग दे चुके हैं। तो इस सिंबल का क्या मतलब समझेंगे हम लोग, y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। ऑब्वियस बात है बाई का डिफरेंशिएशन होगा नहीं जब तक बाई एक फंक्शन होगा। ऑब्वियस बात है बाई क्या रहने वाला है, एक फंक्शन रहने वाला है, किसका, एक्स का, तभी जाके इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। बाई अगर एक्स का फंक्शन नहीं है तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाई का हम इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब वो एक्स का फंक्शन रहेगा तो ही। तो हम लोगों ने समझ लिया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मूले भी उसके जस्ट अपोजिट होंगे। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x पे पावर n डी एक्स, रिवाइज कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, n x n माइनस वन, ये होता था। अब अगर हमको इंटीग्रेशन करना है इसका n x पे पावर n माइनस वन, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या होगा, x पे पावर n, ये होता अपोजिट। यानी कि फॉर्मूले आपको डबल याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद है दूसरा याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, या n माइनस वन की जगह पे अगर मैं n रख देता हूँ, ठीक है, n माइनस वन की जगह पे क्या रख दूँ, n रख दूँ, तब क्या होगा इसी फॉर्मूला में, भाई ये तो वेरिएबल है ना, तो ये तो कुछ भी रह सकता है, तो n की जगह पे n माइनस वन रखिए और बताइए मुझे क्या होगा, जो खुद से कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा, हमारा इंटीग्रेशन आया n इंटू एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स का, क्या इंटीग्रेशन आया था, x पे पावर n, ठीक है। इस बार मैं अगली बार क्या कर दे रहा हूँ, n की जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूँ, n प्लस वन, यहाँ पे n प्लस वन हो जाएगा, x पावर n हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहाँ पे पावर x n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकलता है, जैसे डिफरेंशिएशन बाहर निकलता था, ये बाहर निकल के यहाँ पे आकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है इस प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि एक फॉर्मूला बन के आया, x पावर n dx को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, x ऊपर एक पावर बढ़ा दीजिए और नीचे उतना से ही डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, n से हम आगे मल्टीप्लाई कर देते थे और ऊपर एक पावर घटा लेते थे, इसमें क्या करते थे हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं और n प्लस वन जो भी पावर है ऊपर उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, याद रहेगा, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला लिखे हो ना उसको सामने रख लो, तो सारे फॉर्मूले इजीली आपको याद हो जाएंगे। मैं सारे फॉर्मूले को एक बार आपके सामने ला देता हूँ एक ही बार में, और सारे फॉर्मूले को आप देख लीजिए एक बार में, ठीक है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला, तो जाकर डिफरेंशिएशन में देखिए, यहाँ डिफरेंशिएशन में देखोगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स।
तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। माइनस मैंने इधर ना लिख के क्या लिख दिया, इधर लिख दिया, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। एक सी सी चीज आ रहा है, सी हर बे आएगा। ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि डिफिनिट नहीं है ये, ठीक है, ये डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है, इसलिए एक कॉन्स्टेंट टर्म इसमें ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन साफ है कि भैया चूंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट टर्म है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये वाला आ जाए। तो जानते हो कि डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टेंट टर्म उसमें अटैच जरूर रहा होगा या रह सकता है, जीरो ए सी का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने एक कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि है कि रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट टर्म है। क्लियर है, तो देखो साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा, प्लस सिक्स सी, ठीक है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स आएगा, ठीक है, जैसे वहां होता था साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता था, कॉस एक्स आता था। यहाँ पे कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक है। अगर के एक्स रहे ऐसा कुछ, ठीक है, वहां तो चेन रूल लगा लेते थे, यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ चेन रूल जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसको देखो यहाँ पर डी एक्स लिखना भूल गया, ठीक है, यदि कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और एफ एक्स आता है, ठीक है, बड़ा वाला एफ एक्स, फंक्शन चेंज है, दोनों पर ध्यान देना, इसको इंटीग्रेट करके ये आता है, तो अगर ये एक्स या पर अगर कोई टर्म के रहेगा और तब जाके इंटीग्रेट करना होगा, तो कुछ नहीं, जो इंटीग्रेशन पहले आता था वही इंटीग्रेशन अभी भी है, वही फंक्शन है, बस एक्स या पर क्या रहेगा, के एक्स रहेगा, और बस एक के से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन में अगर एक्स के यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म उसके मल्टीप्लाई किया गया है तो इंटीग्रेशन वही रहेगा, बस एक्स यहाँ पे आप भी के एक्स लिख दो, ठीक है, और के से डिवाइड कर देना बस, ठीक है, बस इतना ही करना है। जहाँ पे के क्या रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो देखिए साइन के एक्स है, साइन एक्स के एक्स का हमने देखा साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स, तो मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे, कॉस के एक्स, ठीक है, माइनस का माइनस तो है, और बस मैंने के से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, यही आपका साइन के साथ है, यही किसके साथ है, कॉस के साथ है, ठीक है। बस कॉस का होता था साइन, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कॉस का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन होता है, बस क्या कर दिया हम लोगों ने, साइन एक्स या फिर क्या कर दिया, के एक्स कर दिया और के से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कर लोगे। और इस सारे के साथ लगता है, ऐसा नहीं कि साइन कॉस के साथ ही लगेगा, हर किसी के साथ लगेगा, मैं यहाँ पर जनरलाइज करके यहाँ लिख ही चुका हूँ, ठीक है, हर किसी के साथ। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स होता है, देखिए यहाँ पे एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स होता है, तो आप एफ के एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, वही आएगा, एफ के एक्स ही आएगा, पर के से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला भी सामने रखिए, तब आपको पढ़ने में सहूलियत होगी, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे आपका सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जानते हो कि टैन एक्स का डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टैन एक्स, जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। वहाँ पे आप कॉट एक्स को इंटीग्रेट करते तो क्या आता था, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी तो हर किसी में आना ही आना है। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यहाँ पे सेक एक्स इंटू टैन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सेक एक्स, ठीक है। यहाँ एक और है, कॉसिक एक्स को आप डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स को तो क्या आएगा, माइनस कॉसिक एक्स। अब देखते जाए डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले भी आप देखते जाइए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप जानते हो ई पावर एक्स का वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स होता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा, ठीक है, पर एक यहाँ लोचा है, ठीक है। वन बाई एक्स को अगर वन बाई एक्स को इंटीग्रेशन करना है तो गलती से आप पहला वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिए, क्योंकि पहला वाला फॉर्मूला लगा तो आप इसको लिख दोगे एक्स पावर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मैंने ऊपर फॉर्मूला एक बता रखा है, ये वाला, ठीक है, एक्स पावर एन वाला। तो एक्स पे पावर एन का वैल्यू अगर वन हो जाता है, माइनस वन हो जाता है, ठीक है, एन का वैल्यू माइनस वन हो जाता है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अगर माइनस वन हो जाता है देखो नीचे जीरो हो जाता है, हो जाएगा ना नीचे जीरो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एक्स
यहाँ पे इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला तभी सही है जब n क्या हो माइनस वन के बराबर न हो, ठीक है। माइनस वन के बराबर रहेगा यानी कि वन बाई एक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन का अलग ही फॉर्मूला है, ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है। वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है ln x आता है, ठीक है, जहाँ वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में याद है आप ln x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, क्या आता था, वन बाई एक्स आता था, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, वन बाई एक्स को इंटीग्रेट इधर वाला इंटीग्रेट करोगे तो इधर वाला आ जाएगा, ठीक है। यह इंटीग्रेशन है सिंपल सा, ठीक है। एक और है, कुछ और बेसिक चीज़ें जैसे के एक्स है यहाँ पे या डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि x पावर जीरो यहाँ पर अगर ऐसे है डी एक्स है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक है, एक से मल्टीप्लाई है ना, एक को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इस पर फॉर्मूला लगा दो पावर वाला, पावर फॉर्मूला लगा दो, एक ऊपर एक से पावर बढ़ जाता है और नीचे उतना से डिवाइड हो जाता है, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका, x। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है, बार बार हम करेंगे नहीं, ठीक है। और के एक्स है तो के तो कॉन्स्टेंट बाहर कर दो फिर तो एक्स ही आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स का, पर सी तो लिखना भूलना ही नहीं, मैंने इसको करके दिखाया भी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कॉपी पर आप करते जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स से करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर करके बीच में आप उसको करते जाइए, ठीक है, सबको लिखते जाइए, ठीक है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक एक लाइन देखते जाइए और उसको करते जाइए, मैथमेटिक्स का यही जुगाड़ है करने का। कुछ रूल्स भी है इंटीग्रेशन के, जैसे डिफ्रेंशिएशन का रूल थे, क्या रूल है, अगर के वाई है यानी कोई कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है वाई से, ठीक है, तो हम उस कॉन्स्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड लॉ है कि दो फंक्शन यदि प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं तो दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन करके, जहाँ अगर प्लस है तो प्लस कर सकते हैं और माइनस है तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में इतना ही चीज़ें हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहले आप फॉर्मूले पर फोकस कीजिए, फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो एक क्वेश्चन है भी आपके सामने, तो उस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए कि खुद से करें, ठीक है। फॉर्मूला आप लगाइए, फॉर्मूला जब मैथ में पता लग जाता है तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए और क्वेश्चन बना के देखिए, बना हुआ तो है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। इंटीग्रेशन का आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, अब इंटीग्रेशन का उपयोग करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिए आप लोग, अपने दोस्तों को बताइए कि सब लोग पहुँच जाए एक बार सीख लें इंटीग्रेशन। कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लाइव चलेगा उसी वक्त देख लीजिए, डेली वीडियो आपका आएगा, ठीक है। इसको खत्म करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग वैक्टर में प्रवेश करेंगे। वैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फिजिक्स का, तो उसको भी देखेंगे, हैवी भी है वैक्टर, क्योंकि वो भी मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है आपको और काफ़ी लंबा चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में। तो हम लोग फिजिक्स में बस हल्का हल्का उस सब चीज़ों को देखेंगे, बस ज़्यादा उसमें हम लोग परांगत होने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वैक्टर का भी जरूरत पड़ता है फिजिक्स में हमें, पर हल्का फुल्का भी पता रहता है तो काम बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस सब चीज़ों को देखेंगे, तो आप मुझे फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर जहाँ पे भी आप हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोग देखने वाले होंगे उतना ही बेहतर ढंग से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। कोई डिमांड है तो आप लोग बताइए, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, क्योंकि इसे बेहतर से बेहतर ढंग से मुझे बनाने का तरीका मुझे पता है, ठीक है। मैं जैसे 10th का बनाया, 10th काफ़ी प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत ही डिजाइनिंग और रंगीन करके फोटो वगैरह डाल के मैंने बनाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा इसको लिखना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। तो अगर इससे समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर से हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, बोर्ड पे पढ़ाने की जरूरत है बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दिया जाए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बने, ठीक है, जैसे इंटरनेट भी स्लो है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो का साइज़ भी छोटा ही रहे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी वीडियो का नहीं रहे, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में दिक्कत आएगा, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो सब कुछ देख के मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें कैमरा जैसे ऑन कर दिया मैंने इसमें, तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका वो भी ख्याल रख रहा हूँ कि इंटरनेट कम खर्चा हो और आप बेहतर से बेहतर चीज़ें सीख लें, ठीक है। बाकी लोग तो बना ही रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा होगा तो आप लोग बताइए कि अगर जिस भी प्रकार से आप सीखते हैं, जो भी तरीका आपको बेहतर लगता है, उस तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बस आप इसको शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।